मलीबा में एक महिला 750 ग्राम नशीली पदार्थ सहित गिरफ्तार। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाला के दिशा निर्देशों के अनुसार नशे के खिलाफ छेड़े विशेष अभियान के तहत आज देर शाम ठाकुर द्वारा पुलिस ने मिलबा टू ठाकुर द्वारा रोड पर गश्त के दौरान एक महिला को 750 ग्राम चूरापुस नशीली पदार्थ सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए एसडीपीओ नूरपुर नवदीप सिंह ने बताया कि उन्हें लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि मिलबा गांव के आसपास कुछ महिलाएं बुक्की और अन्य नशीले पदार्थ की तस्करी का काम कर रही हैं, जिसके चलते पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखे हुए थी। वहीं पुलिस को आज देर शाम फिर सूचना मिली कि एक महिला आज फिर नशीले पदार्थों की तस्करी करने ठाकुर द्वारा रोड की ओर जा रही है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करने हेतु ठाकुर द्वारा पुलिस चौकी के प्रभारी सुरेंद्र सिंह राणा को अपनी पुलिस पार्टी सहित टीम को गठित करके ठाकुर द्वारा जो मिलबा रोड पर गश्त जारी रखने के आदेश दिए। पुलिस टीम जब इस रोड गश्त कर रही थी तो एक महिला मिलबा गांव की तरफ से ठाकुर द्वारा रोड पर पैदल चली आ रही थी और उसके हाथ में एक प्लास्टिक का लिफाफा था। जब वो महिला मिलबा मोड़ स्थित प्राइमरी स्कूल के पास पहुंची तो सामने गश्त कर रही पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने उसके भागने की कोशिश को विफल करते हुए धर दबोचा और महिला आरक्षी द्वारा हाथ में पकड़े पॉलिथीन की तलाशी लेने पर उससे 750 ग्राम भुक्की बरामद हुई। भुक्की को कब्जे में लेकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ ठाकुर द्वारा चौकी में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि आजकल जो हमारा NDBS और XI का अभियान चला हुआ है, मुताबिक देश अफसरान वाला, खासकर हमारे संतोष पटियाल जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जैसे जगह जगह ये सूचना मिल रही है कि बच्चे चिट्टा पी रहे हैं, भूखी खा रहे हैं और नशा कर रहे हैं, तो हमने जो है इसके लिए लगातार अभियान चलाया हुआ था। आज हम मेल में गए थे तो वहाँ पर एक ठाकर द्वारा रोड पर गश्त कर रहे थे तो एक और पुलिस पार्टी को देखकर जैसे हमारा महिला आरक्षी की सहायता से इसको पकड़ा तो उसकी तलाशी लेने पर जो है उससे 750 ग्राम चूरा पोस्त भुक्की जो है बरामद हुई है। उसके खिलाफ जो है मादक द्रव्य के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके जो है पंजाबी सरगर्मियों के लिए कांगड़ा से गगन नलगोत्रा की रिपोर्ट।